दोस्तों Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं पर्टिकुलरली Realme 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में। Realme 10 Pro स्मार्टफोन अगर इंडिया में सेम इसी फीचर्स के साथ में इसी प्राइस पर आता है तो आपको ये स्मार्टफोन नहीं बाई करना है। कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि Realme 10 Pro जो स्मार्टफोन है वो हालांकि लॉन्च तो हो गया है लेकिन कंपनी ने ज्यादातर जो फोकस है वो Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन पे किया है। Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन में मेजर अपग्रेड है, मैं ये चीज मानता हूं, क्योंकि यहां पर कर्व डिस्प्ले लेकर के आए हैं, प्रोसेसर में अपग्रेड है, चार्जिंग में अपग्रेड है, सारी डिजाइनिंग में अपग्रेड है और यहां पर आपको जो फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे दिए गए हैं और प्राइस भी डिसेंट है। चाइना में जो प्राइस गई है वो Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन के लिए 19,500 रुपए है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट प्राइस है इस फीचर्स वाले स्मार्टफोन के लिए। पर इंडिया में भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसी टाइप की एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आएगा। अब इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ निकल करके आ चुके हैं, हम फर्स्ट लुक देख चुके हैं, स्मार्टफोन काफी डिसेंट है लेकिन यहां पर जो Realme 10 Pro स्मार्टफोन है इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई और काफी ज्यादा कमी इन लोगों ने कर दी। एटलीस्ट अगर हम कंपेयर करें Realme 9 Pro स्मार्टफोन से Realme 10 Pro स्मार्टफोन को तो यहां पर कुछ भी जहां तक मुझे लगता है कि अपग्रेड नहीं किया गया है। बस दोस्तों डिजाइनिंग को छोड़कर के बाकी चीजों में अपग्रेड Realme ने नहीं किया है। यहां पर आपको सेम वही जो फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डिजाइन के साथ में एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल है वो देखने को मिल जाती है। Realme 10 Pro स्मार्टफोन में भी LCD डिस्प्ले, मतलब Realme 9 Pro में भी LCD, यहां पे भी LCD, कम से कम कर्व नहीं किए तो AMOLED डिस्प्ले तो कर देना चाहिए था। अगर हाई रिफ्रेश रेट ना रहता फिर भी अच्छी बात थी लेकिन कम से कम AMOLED डिस्प्ले तो इस बार लेकर के आना चाहिए था Realme 10 Pro स्मार्टफोन में, लेकिन Realme 10 Pro स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले नहीं है। IPS LCD डिस्प्ले पैनल यहां पर दिया गया है जो कि आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये एक मेजर डाउनग्रेड है और यहां पर इन्होंने कोई भी अपग्रेड इस स्मार्टफोन में नहीं किया है। दूसरी चीज है इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि Realme 9 Pro जो उसमें आपको Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और वैसा हुआ। Realme 10 Pro स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 695 दिया गया है जो कि ऑलरेडी Realme 9 Pro स्मार्टफोन में अवेलेबल है। तो प्रोसेसर में अपग्रेड नहीं है, डिस्प्ले में अपग्रेड नहीं है। अगली चीज यहां पर देखते हैं इस स्मार्टफोन का कैमरा। इस स्मार्टफोन के कैमरे में एक थोड़ा सा अपग्रेड इन लोगों ने किया है। यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अभी लोगों ने AMOLED डिस्प्ले किया ही नहीं तो इन डिस्प्ले हम कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33W का चार्जर है। पिछले वाले वेरिएंट में भी 33W का चार्जर था और यहां पर भी 33W का चार्जर है। बाकी इस स्मार्टफोन में कुछ भी अपग्रेड नहीं है, सारी चीजें रिपीटेड हैं। बस डिजाइनिंग को छोड़ करके डिस्प्ले में थोड़ा सा इन लोगों ने सेंटर पंच होल कर दिया है। इसके अलावा सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो यहां पर आपको Realme 9 Pro स्मार्टफोन वाले ही दिए गए हैं। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर ये जो स्मार्टफोन है Realme 9 Pro स्मार्टफोन से ऊपर की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है इंडिया में तो ऐसी कंडीशन में आपको इस स्मार्टफोन को बाई नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप Realme 9 Pro स्मार्टफोन के ही साथ में जा सकते हैं क्योंकि जब ये स्मार्टफोन अवेलेबल होगा तो Realme 9 Pro और भी सस्ती प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे में Realme 9 Pro स्मार्टफोन ना ज्यादा समझदारी की बात होगी, ना कि Realme 10 Pro। तो Realme 10 Pro स्मार्टफोन मुझे अच्छा नहीं लगा। इस स्मार्टफोन में कोई भी मैसिव अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला है। इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो चाइना में जो प्राइस गई है इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट के लिए उसकी प्राइस निकल करके आई है, अगर हम इंडिया प्राइस से कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 18,000 रुपए। तो ऑब्वियसली इंडिया में मुझे नहीं लगता कि यह स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है, कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास इसकी प्राइस होने ही वाली है। तो ऐसे में अगर ये इस प्राइस पॉइंट पर आता है तो इंडिया में इस स्मार्टफोन को लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी। बाकी अनबॉक्सिंग इसकी भी आ चुकी है और डिजाइनिंग बहुत अच्छी इसमें नहीं दी गई है। हाँ, Realme 10 Pro स्मार्टफोन में अच्छी डिजाइनिंग लेकिन इस स्मार्टफोन में डिजाइनिंग अच्छी नहीं दी गई है। बाकी ये स्मार्टफोन realme.com पे लिस्ट हो चुके हैं जिससे ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। और आज Realme इंडिया ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Realme 10 Pro Plus जो इंडियन वेरिएंट है वो भी MediaTek Dimensity 1080 के ही प्रोसेसर पे आ रहा है। तो बस लॉन्च डेट आना बाकी है और जैसे ही लॉन्च डेट आती है मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है Realme 10 Pro और Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों यही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।